हेलो फ्रेंड्स, रोजगार अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं शुभम आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जॉब अपडेट जो कि आई है CSIR CGCRI, इट मीन्स सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इवन अगर आपने 12th पास है देन आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 2021 वाले चांस यहाँ ले सकते हैं। सैलरी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ परमानेंट जॉब का मौका है। यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर से अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो आगे जरूर बढ़ाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये वैकेंसी रिलीज की है। जो पोस्ट यहाँ पे है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट की। जो टोटल वैकेंसी इन्होंने पब्लिश किया है वो 18 पोस्ट है। लोकेशन जो आपको मिलने वाली है कोलकाता, खुर्जा एंड नरोदा में मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10+2 इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है देन आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर एप्लीकेशन डेट की मैं बात करूँ तो 1 जुलाई से इनके फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं, आप भर सकते हैं 1 जुलाई से। अगर लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो लास्ट डेट 15 अगस्त है अभी, तो आराम से फॉर्म को आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर लीजिए। अगर आप हैं फुलफिल देन अप्लाई कीजिए क्योंकि लास्ट डेट अभी 15 अगस्त है। ओके, अगर वैकेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर की जो है वो 5 वैकेंसी यहाँ पे है, और जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट की जो है वो 13th वैकेंसी है। अगर स्टेनोग्राफर की सैलरी की मैं बात करूँ तो 38,000 है, और जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30,000 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट जनरल के लिए आप इंटर पास हैं, 10+2 एग्जाम आप पास किए हुए हैं, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 WPM और इंग्लिश 30 WPM की प्रोफिशिएंसी इन्होंने मांगा हुआ है कंप्यूटर में। दूसरी वैकेंसी की बात करूँ जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10+2 आप पास होने चाहिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपके 10+2 में अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो 35 WPM इन इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 WPM जो हिंदी में होनी चाहिए। अगर मैं थर्ड वैकेंसी की बात करूँ तो जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10+2 यहाँ पे और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 10 35 WPM इंग्लिश में और 30 WPM हिंदी में होनी चाहिए आपकी। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी की अगर बात करूँ तो 10+2 यहाँ भी मांगा गया है, और कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी टाइपिंग स्पीड जो कि अच्छी होनी चाहिए। तो ये रहा इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो जूनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट में आपका द कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिकमेंडेड आफ्टर द स्क्रीनिंग विल बी इनवाइटेड फॉर ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसमें दो तरह से एग्जाम होगा, एक होगा स्किल टेस्ट होगा और एक होगा राइटिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट जो होगा वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा एंड पेपर 2 जो होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल लैंग्वेज होगा। द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग इन अ कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इट मीन्स पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड पेपर 2 जनरल अवेयरनेस एंड जनरल लैंग्वेज अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन आपको टाइपिंग स्पीड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि टाइपिंग स्पीड जो यहाँ पे दे रखा है 35 WPM इंग्लिश में और 30 WPM हिंदी में, वो कराया जाएगा। अगर दूसरी पोस्ट की मैं बात करूँ जूनियर स्टेनोग्राफर, तो इसमें द कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिकमेंडेड विल बी इनवाइटेड फॉर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, आपको पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना है देन आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। While the type writing test on competent proficiency test in stenography will be qualifying in nature, the final merit list will be prepared for the basic of performance of the candidate compared to written examination. यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिलेगा वो रिटन एग्जाम का ज़्यादा प्रेफरेंस है, इन्होंने साफ साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कम्पिटेटिव रिटन एग्जाम। तो आपका रिटन एग्जाम जो कि है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, देन आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखा हुआ है जनरल ओबीसी के लिए। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो फी फॉर SC ST PWD वोमेन CSIR एम्प्लॉय, मतलब SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई है, तो आप फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था फॉर्म का पूरा डिटेल CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैकेंसी आई, ये था पूरा उसका डिटेल। तो कैसे अप्लाई करना है आइए बताते हैं।
चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप लिंक को डायरेक्ट ओपन कीजिए, आप डायरेक्ट फॉर्म पे आ जाएंगे। मैं जैसे लिंक ओपन किया मैं डायरेक्ट आ गया। तो अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 अगस्त तक होंगे लास्ट, और लास्ट जो डेट है वो 15 अगस्त ही है। प्रिंटिंग एवं एप्लीकेशन आपको अपने फॉर्म प्रिंट करा लेना है 30 अगस्त तक। ऑनलाइन फी पेमेंट 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपको कर देना है। अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जाम जो कराएगी वो IBPS कराएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है IBPS ऑनलाइन। IBPS एग्जाम जो इंटरनेट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो बैंक एग्जाम कराता है वो भी वही एग्जाम वही संस्था जो है वो कंडक्ट करा रही है। CGCRI का एग्जाम भी वही कराएगी IBPS। तो आप ये पैटर्न देख लीजिएगा IBPS के पेपर कैसे बन रहे हैं, उसी टाइप के आप प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। जैसे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको सारा डिटेल अपना फिल करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फुल नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड एंड देन सेव। उसके बाद जैसे सेव करेंगे देन आपको फोटो एंड सिग्नेचर पे आ जाएगा। आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, देन आपके डिटेल आप मांगे जाएंगे वो फिल करना है। प्रीव्यू प्रीव्यू करके फॉर्म अपना देख लीजिए। अपलोड अपलोड मीन्स में आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे लाइक हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। उसके बाद पेमेंट आपका होगा, पेमेंट करिए, देन उसके बाद फॉर्म आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। देन आपके मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। फिर उसको अपना प्रिंट करा के आप अपने पास रख लीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा वो आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था प्रोसेस फॉर्म को भरने का। तो वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चैनल को देखते रहे, कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइज।